हाय गाइस, मैं सुखदेव भट्ट आपका मित्र, कोबरा टीम राजस्थान। थोड़ा जूम करके दिखाइए ताकि सबके पास नंबर चल जाए। अभी हम बूढ़ा पुष्कर के पास में नेल्डिया गांव है और यहां पर एक जेएमडी फार्म है। ये यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहां दिखाना चाहूँगा कितने ये जो मजदूर हैं काफ़ी मेहनती रहे हैं और सुबह से ही ये डरे हुए हैं। इन्होंने मेरे प्रीतिक हेमराज और नियमित को कॉल किया। मैं यहाँ पर 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच कर देखा है। मैंने आके यहाँ पर इंडियन ब्लैक कोबरा जाति बहुत ही खतरनाक स्नेक है ये। इसको अभी कुछ ही देर बाद में हम आपके सामने दिखाएंगे और इसको बिना किसी नुकसान के पकड़ कर इसको पुष्कर स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी दरहोर राजस्थान की नाग पहाड़ी पर हम इसको जाकर रिलीज करेंगे। बेजुबानों को बचाने के लिए कोबरा टीम का सपोर्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण और बेजुबानों को बचाया जा सके। अभी देख रहे हैं काफ़ी बिग साइज का स्नेक है, 3 से 4 फीट की इसकी हाइट है और देखते हैं इसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। तना तो बना ही रहता है। आप ऐसा प्रयास कभी ना करें क्योंकि ये काम एक्सपर्ट का है। ऐसे आप अगर प्रयास करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है, इसलिए कभी नहीं। दिखूंगा जूम करके दिखाएं काफी है। कोई बाल्टी नहीं तो पीले वाली बाल्टी दीजिए। काफी बिग साइज का है। अभी कुछ दिन पहले 25 मार्च 2024 को ऐसे ही इंडियन ब्लैक कोबरा ने मुझे बाइट किया था और इतना वेनम इंजेक्ट किया मेरी बॉडी में कि शायद ही कोई बच पाता। लेकिन आप सभी की दुआओं ने, इन बेजुबानों की दुआओं ने मेरे को आज आपके बीच में मौजूद रखा। ले जाओ यहीं से तो, हाँ? ले जाओ इधर से। इधर से ले जाएं? यहाँ तो बंदा तो वैसे ही रहता है, छोटा बच्चा है, ऐसे घूरते फिरते रहता है, किसी ने ध्यान नहीं देता है। जीव तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक उसको खतरा नहीं है, ठीक है? वो बच्चा क्या जानता है? बच्चे बच्चे सब ऐसे रह रहते हैं, कोई हाथ पैर बच्चा ही पकड़ ले, बच्चा क्या जानता है? ऐसा बच्चा खेल रहा हो क्या जानता है? अरे बात बेटा, हेलो चलो ये तो हो गई।